नमस्कार दोस्तों, आज है 21 दिसंबर 2020, सोमवार का दिन है और आज बहुत बड़ी गिरावट देखी गई भारतीय बाजारों में। निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई, तो चार्ट्स में कुछ दिखाने के लिए नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि चार्ट्स में बहुत लोगों ने क्रैश प्रेडिक्ट किया था या करेक्शन प्रेडिक्ट किया था, तो मैं ये बता दूं आपको कि ये टेक्निकल चार्ट से आज की गिरावट बिल्कुल नहीं हुई थी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं और मेरा चैनल अपने पर्सनल व्यू शेयर करते हैं और किसी भी ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। कोई भी ट्रेड लेते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड लीजिएगा और मैं और मेरा चैनल इसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं होंगे, आज और आगे भी। तो ये डिस्क्लेमर आपको मैं इसलिए भी देता हूं क्योंकि आप मेरे ही नहीं दूसरे किसी का भी वीडियो देखकर ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये कि चार्ट्स में आज बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आप निफ्टी का यहाँ पे चार्ट्स देख सकते हैं, यहाँ पे आज गैप फ्लैट ओपनिंग हुई थी और फ्लैट की स्लाइड गैप डाउन और उसके बाद एक हाई को टच करने के बाद एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी ने एक अच्छी खासी रिकवरी भी दी, 200 पॉइंट की रिकवरी भी दी नीचे के लेवल से। तो टेक्निकल्स में अगर देखा जाए तो मैं इसे टेक्निकल क्रैश और करेक्शन नहीं मान रहा हूं, बिकॉज मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ है और ये पैनिक, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस लिए आज की गिरावट हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोरोना वायरस की एक नई वेरियंट यूके में खोज की गई है, जिसमें ये जिसका नाम दिया गया है VUI 2020-1201, मतलब COVID-19 दिसंबर 2019 पे आया था, इसलिए उसको COVID-19 कहा जाता है। और 2020 के दिसंबर में एक ऐसा वायरस का, कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया है जो माना जा रहा है कि 70% कोरोना वायरस से ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। तो इटली में ये सबसे पहला केस पाया गया है और यूके में अभी ये पता कर लिया गया है। सऊदी अरेबिया में बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और भारत में फ्लाइट्स वगैरह बंद कर दी गई हैं बाहर से, यूके में और कुछ राज्यों से। और इस तरह से ये पैनिक हुआ जरूर है, ये मैं मानता हूँ। और ये जो है ये टेक्निकल करेक्शन या टेक्निकल क्रैश नहीं, टेक्निकल करेक्शन तो बिल्कुल नहीं कह सकते, एक पैनिक जरूर क्रिएट हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो मैंने आपको आज के लिए दो अच्छे स्टॉक्स दिए थे और उसके बाद एक जब पैनिक क्रिएट हुआ तब मैंने आपको ये बता दिया कि कुछ पैनिक क्रिएट हुआ है कोरोना वायरस 2.0 की वजह से, तो इसकी वजह से क्रैश आया है। तो पहले सबसे पहले तो ये बता दें कि ये अभी टेक्निकल्स का मेरा व्यू, अभी के लिए मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा जरूर। और उसके बाद एक और चीज भी बता दूंगा कि अभी के लिए लॉन्ग से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन कल अगर ये फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ नहीं आती है तो हो सकता है कि हमें बाजार में अच्छी खासी रिकवरी मिल जाए। तो पहला चीज तो ये कि क्या हुआ है और ये क्रैश की, ये करेक्शन का रीजन क्या है। पहला चीज तो ये कि कोरोना वायरस की वजह से जो क्रैश आया था मार्च में, उस समय लोगों को पता नहीं था कि किस तरह की वायरस है, इससे कैसे इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, इसका कोई क्योर नहीं था, वैक्सीन नहीं थी। अभी के हिसाब से ये कोरोना वायरस का एक दूसरा, आप कह सकते हैं कि दूसरी बीमारी है और इसके बारे में ज्यादा किसी को कुछ नहीं मालूम है। यही एक अनसर्टेनिटी की वजह से एक क्रैश आया है और एक कह सकते हैं 1000 पॉइंट की 4% की गिरावट बैंक निफ्टी में, निफ्टी में 3% की गिरावट। और मैं सच में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहा था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरे कुछ स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स जैसे कि सन फार्मा और इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी गिरावट हुई, तब मैंने समझा कि ये मार्केट में अच्छी खासी कुछ पैनिक क्रिएट हुआ है। लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग भी आई है, जिसकी वजह से इस समय एकदम क्लियर नहीं है कि ये पैनिक कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। तो मेरे लिए बाजार में व्यू ये है कि कल अगर कोई फॉलो अप कैंडल आती है नीचे की तरफ, आज का लो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अगर तोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए हम एक करेक्शन मोड में जाएंगे।
क्रैश है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी लोग अगर क्रैश कह रहे हैं वो लोग 13,000 से क्रैश कह रहे हैं और 13,000, 12,800, 13,000 से क्रैश बोलते जा रहे हैं, तो बिल्कुल उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि वो लोग पैनिक को और क्रिएट कर रहे हैं ये बोलकर कि मार्केट में करेक्शन क्रैश आना जरूरी था वगैरह वगैरह। तो मेरा अभी भी मानना यह है कि टेक्निकल करेक्शन या टेक्निकल करेक्शन नहीं था, क्योंकि टेक्निकल करेक्शन तब आता है जब कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है और दूसरे रीजंस भी होते हैं टेक्निकल्स में। ये जो रीजन है ये इसमें बहुत क्लियरली एक न्यूज बेस्ड क्रैश था, जो भी गिरावट आई थी न्यूज बेस्ड था। तो इससे टेक्निकल से आज डेफिनेटली इससे आप ये नहीं कह सकते कि कल से क्रैश आने वाला है, तो कल हमें यही देखना है कि एक फॉलो अप कैंडल बनती है कि नहीं। जैसे कि आप निफ्टी का डेली चार्ट देख सकते हैं कि निचले लेवल से अच्छी खासी बाइंग आई है और 200 पॉइंट की एक अच्छी बाइंग नीचे लेवल से आई है। तो एनीवे तो जो भी है तो अच्छे कुछ स्टॉक जैसे कि इंफोसिस और सन फार्मा में भी गिरावट आई है। सन फार्मा ने तो रिकवर भी नहीं किया है, लेकिन इंफोसिस ने थोड़ा बहुत रिकवर किया है। तो अभी हमें कल देखना है कि ये पैनिक मोड क्या यूएस मार्केट्स और दूसरे मार्केट्स में भी जारी रहेगा। अगर हाँ तो हमारे भारतीय बाजार में भी इसका इफेक्ट मिलेगा। तो ये हुआ मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए भी। और दूसरा एक चीज आप याद रखिए, जो मेरा मानना है वो ये कि जब कोरोना की वजह से क्रैश आया था फरवरी मार्च 2020 में, तब भारत ही नहीं दूसरे राज्यों में भी एक पैनिक था और एक अनसर्टनिटी थी कि आगे हम ये ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन को कैसे हम डील कर सकते हैं। तो ये मुश्किल था और उस समय एक लॉकडाउन से शुरू हुआ, दूसरे कंट्रीज लॉकडाउन में पहले गए, फिर इंडिया भी गया और उसके बाद 6 महीने लगे थोड़ा चीज़ों को नॉर्मल लाने में और स्टॉक मार्केट पूरी तरह से रिकवर हो गया, हम ऑल टाइम हाई के पास खड़े हैं। लेकिन अभी जो है, अभी जो न्यूज आई है कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक एक कोरोना से भी खतरनाक एक बीमारी आई है, ये जो है ये इसके लिए मुझे लगता है कि दूसरे जगह से भी हम एक तरह से प्रिपेयर्ड हैं। कोरोना की वजह से हम ऑलरेडी लॉकडाउन मोड में हैं, बहुत से लोग आईटी कंपनियां और दूसरे लोग भी, और ये कंटिन्यू रहेगा। और इसको वैक्सीन टेक्नोलॉजी में लोग अभी तक कोरोना की वैक्सीन खोज निकाले हैं, तो इसका भी खोज जरूर निकालेंगे। और ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह से मुझे लगता है कि मार्केट रिकवर जरूर करेगा और शार्पली रिकवर करेगा। और एक दो दिन हो सकता है ये करेक्शन मोड रहे और उसके बाद मुझे लगता है कि बैक टू बुलिश ट्रैक में आएगा। लेकिन तो निफ्टी के लिए मैं एक की है, 13,000 के नीचे अगर चला गया और आज का लो काट कर 13,000 के भी नीचे चला जाता है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग से निकल जाना चाहिए, फिर हमें एक फ्रेश व्यू बनाना पड़ेगा मार्केट के लिए। और बैंक निफ्टी में 29,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 29,100 का लेवल जो दिसंबर सीरीज से शुरू हुआ था उसके भी नीचे चला जाता है और सस्टेन करता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हम एक बेयरिश व्यू मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए उसके लिए टाइम है और हमें कल कैसा मूवमेंट होगा वो देखना पड़ेगा, कल रिएक्शन कैसा होगा और बाइंग कैसी आ रही है FIIs DIIs की, ये भी देखना पड़ेगा। तो ये था मेरा व्यू कल के लिए और आने वाले दिनों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि फॉलो अप कैंडल बनती है कि नहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो ये था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। हाँ जी, तो कल का मेरा, आज के लिए जो मेरा व्यू था वो गलत हुआ, लेकिन ये कोई टेक्निकल व्यू नहीं था, ये बेसिकली आज की जो गिरावट थी वो कम्प्लीटली एक न्यूज बेस्ड गिरावट थी। तो चलिए देखना पड़ेगा कि ये अब आगे की गिरावट जारी रहती है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।